चलो बच्चों, चलो बच्चों, आज हम लोग डाउट सेक्शन में एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। प्रूव दैट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, ये एक बच्चों का क्वेश्चन था, ठीक है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, देखो क्या क्या है इस क्वेश्चन में कि रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए या रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए या रूट सेवन को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, कोई भी नंबर वो इरेशनल है और उसको कह रहा है कि प्रूव कीजिए, तो उसको कंट्राडिक्शन मेथड से करो, अच्छे से हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? कंट्राडिक्शन मेथड होता है कि हम जान रहे हैं कि वो है, लेकिन हम उसका जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। जैसे देखिए, हम तो जान रहे हैं ये रूट फाइव इरेशनल नंबर है, बट हम लेके चल रहे हैं कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है। अगर बाबू रूट फाइव रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अरे भाई, रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग क्या देखा है, रेशनल नंबर क्या होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू बहुत इंटीजर्स होना चाहिए। इसके बाद को प्राइम नंबर, जैसे कि को प्राइम नंबर का मतलब समझो क्या होगा, जैसे कि एक नंबर रहेगा 20/40, हाँ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। इसका जब तुम एच सी एफ निकालोगे 1 इंटू का एच सी एफ 1 आएगा, मतलब कोई भी पी एंड क्यू रहेगा उसका जब एच सी एफ निकालोगे एच सी एफ 1 आना चाहिए। ओके, देखो ये इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो कि रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक, रेशनल नंबर है तो इस टर्म में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी, इसको मान लिए इक्वेशन 1। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करो फिर देखो क्या होता है, रूट फाइव क्यू, रूट फाइव का स्क्वायर 5, क्यू का क्यू स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 5 को इधर भेजिए, पी स्क्वायर बाय 5, ये क्या दिखा रहा है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, है ना, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा थ्योरम के अनुसार, ठीक है। अब देखो, अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो कुछ नंबर आता होगा, 5 अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो कुछ नंबर आता होगा, हमने मान लिया कि वो नंबर सी है, ठीक है, लेट से लेट सपोज कि मान लिया वो नंबर सी है, कोई नंबर तो आता होगा ना, मान लिया वो नंबर सी है, ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, पी 5 इंटू सी 5 सी, ठीक। अब देखो यहाँ से पी का एक नया मान आया, इसको क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पी का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या है, रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी, यही है इक्वेशन 1 मेरा यही है, ठीक है, इसमें पी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, पी का वैल्यू देखो रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी, लाइन छूट गया है, रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी, पी क्या आएगा बच्चों 5 सी, ठीक है। अब 5 सी आया है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, फिर से स्क्वायर करना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट फाइव का 5, क्यू का क्यू स्क्वायर, 5 का 25, सी का सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ये 5 इधर आया, 25/5 कितना बच जाएगा, 5 सी स्क्वायर, अरे भाई 25 सी स्क्वायर बाय 5 तो 5 5 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5, सी स्क्वायर को यहाँ अकेले रखे तो ये 5 को इधर भेजे, क्यू स्क्वायर बाय 5 ये आया। अब क्या आया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5। ओके, इसका मतलब क्या आ रहा है फिर कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी करेगा, अगर क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो क्यू को भी करेगा थ्योरम के अनुसार, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहा है 5 क्यू को तो क्यू बाय 5 इज इक्वल टू डी, फिर मान लीजिए कि कोई नंबर होगा, ठीक है, लेट से क्यू बाय 5 इज इक्वल टू डी। अब देखो क्यू इज इक्वल टू 5 डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, क्यू इज इक्वल टू 5 डी और पी इज इक्वल टू क्या आया था, पी इज इक्वल टू 5 सी, क्यू इज इक्वल टू 5 डी, पी इज इक्वल टू 5 सी, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों का एच सी एफ क्या हो गया 5, लेकिन हम मान के क्या चले थे, लेकिन हम मान के क्या चले थे, बट एच सी एफ वॉज, हम मान के चले थे कि एच सी एफ 1 होना चाहिए, यहां पे देखिए एच सी एफ 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर, ठीक है, एच सी एफ 1 होना चाहिए, लेकिन क्या आया 5 आया, तो यहां पे हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बात मान के चले थे वो बात गलत हो गया, इसको लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन,
ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत चीज मान लिया था। रूट फाइव इरेशनल नंबर है और हम मान के चले थे कि वो एक रेशनल नंबर है। दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए मेरा मानना गलत है, जो हम मान के चले हैं वो गलत है, एंड रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। ओके, इस तरह से प्रूव कर लेंगे। चलो, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।